दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं अभी चल रहा हूँ रोड पे और सामने नदी भी है इधर बहुत बड़ा, देख सकते हैं। मेरा फ़ोन उतना अच्छा नहीं है इसकी वजह से ऐसा वीडियो बन रहा है। चलिए, और मौसम भी अंधेरा तो नहीं, अभी क्या बोलते हैं उसको, बारिश होने वाली है ना, इसकी वजह से। चलिए दिखा रहे हैं आपको आगे की ओर, और इस तरफ देखिए नदी, देख सकते हैं ये खजूर का पेड़ है। तो फाइनली हम खजूर के पेड़ के पास चल रहे हैं, देख सकते हैं ये खजूर का पेड़ है, इसमें देखते हैं खराब हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों उसमें भी नहीं था, क्योंकि देखते हैं अब जामिन वामिन का होगा तो ठीक है, नहीं तो जाएँगे रूम पर घर पर। और वीडियो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, देख सकते हैं। और हम इसी नदी के किनारे जो खजूर का पेड़ है जा रहे हैं तोड़ने के लिए, क्योंकि बारिश होने वाला इधर, इसलिए थोड़ा धुंधलापन दिखता होगा। इधर जंगल ही जंगल है, ढेर सारा जंगल है, और कब्रिस्तान भी इधर है, अब देख सकते हैं वीडियो में। और यह है खजूर का पेड़ जो कि इसमें से बहुत तोड़ लिया गया है, खजूर का पेड़ सब देख सकते हैं वीडियो में। यह है खजूर का पेड़, इधर का भी दिखाते हैं आपको, देखिए। और यह बहुत बड़ा नदी है जो कि मेन रोड के साइड में है, ये नदी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब देख सकते हैं कि ये खजूर का पेड़ है, इसमें है भी बहुत सारा फरा हुआ फल है इसमें, लेकिन नीचे बहुत जंगल है आप देख सकते हैं, क्यों जो कि मैं अंदर नहीं जा सकता, जाने का रास्ता भी नहीं है, देख सकते हैं वीडियो में। बहुत मीठा, एक बार मैं आया था तो उतना जंगल नहीं था, तो अभी बहुत जंगल हो गया क्योंकि बारिश के मौसम है। इधर दो पेड़ है देख सकते हैं, और नीचे गिरा भी बहुत है, देख सकते हैं नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो इसकी वजह से मैं जा नहीं सकता हूँ, देखता हूँ दूसरी पेड़ की तरफ जा रहा हूँ, देखता हूँ कि तोड़ पा रहा हूँ कि नहीं तोड़ पा रहा हूँ। आज देख सकते हैं ये मेन रोड की साइड में ये खजूर का पेड़ हो गया, देख सकते हैं ये खजूर का पेड़ है, और ये भी है, और एक बड़ा सा ये भी है, क्योंकि इधर ढेर सारा है। बने रहे वीडियो के अंत तक, और हमारी वीडियो अच्छी लगे, डॉक्स वीडियो है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और देखिए ये नदी, इसमें बहुत बड़ा बड़ा, अभी तो मगरमच्छ नहीं दिखता है आप लोगों को, नहीं दिखता है, लेकिन जो शाम को टाइम का आता है तो बहुत बड़ा बड़ा मगरमच्छ भी इसमें दिखता है, बहुत बड़ा बड़ा मगरमच्छ रहता है, क्योंकि है भी बहुत बड़ा फैला हुआ, देख सकते हैं वीडियो में। बहुत ही 5 से 6 किलोमीटर में फैला हुआ ये जितना सड़क गया है ना मेन रोड की साइड में, उधर ही बहुत बड़ा है, 5 से 6 किलोमीटर में फैला हुआ है, देख सकते हैं। और उस तरफ आप देख रहे हैं कि फैक्ट्री सब लगी हुई है, मैं अभी बेंगलोर में हूँ, और सामने आपको दिखता होगा कि वो बस स्टैंड है उधर, तो जूम करके बस आपको दिखता होगा, बस स्टैंड है उधर, देख सकते। चलिए नदी का भी नज़ारा दिखाते हैं, कितना बड़ा नदी है, उतना तो नहीं जा पाएंगे पर फिर भी थोड़ा कोशिश करते हैं। देख सकते हैं वीडियो में नदी तो काफ़ी बड़ी है, और बहुत इसमें बहुत बड़ी मछली भी बहुत बड़ा बड़ा रहता है, और सांप सब भी बहुत रहता है इधर, कि कुछ टाइम पहले ही इधर का जो है सो सफाया किया गया है, देख सकते हैं नज़ारा वीडियो में। नदी तो बहुत बड़ा है, देखते हैं कहीं मगरमच्छ वो साइड में भी रहता है तो उसका गेंडा से भी रहता है उधर, जो बोलते हैं ना पानी के अंदर जो रहता है वो भी दिखाते हैं आपको। अगर अभी बारिश होने वाला है तो इसलिए अंधेरा दिखता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर का, आपको हम दिखाते हैं खड़ा होके, चलिए दिखाते हैं आपको इस तरफ का नज़ारा, इस तरफ देखिए दोस्तों, इधर ही रहता है मगरमच्छ सब, अभी तो नहीं दिखता है, बहुत बड़ा नदी है, अब जूम करके भी आपको दिखाते हैं कि देख
देखिए इतना बड़ा नदी है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा मगरमच्छ भी रहता है। और सांप भी बहुत बड़ा बड़ा रहता है, इधर जानवर सब बहुत है इसमें, क्योंकि बैंगलोर का नदी है ना, देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, सपोर्ट कीजिए दोस्तों आप लोग भी। मेरा ब्लॉग चैनल है देख सकते हैं, अभी नहीं है, अभी अंधेरा थोड़ा धुंधलापन दिखता है क्योंकि बारिश होने वाला, देख रहे मौसम का नज़ारा देख सकते हैं, इस तरफ का भी, इधर का भी, चारों तरफ का मैं दिखा रहा हूँ आपको, इधर का भी और इस तरफ का भी देख सकते हैं। अभी मगरमच्छ भी नहीं है इसमें, अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि पानी के अंदर रहता है। और इसमें छोटा छोटा चील सभी, अब चील भी बहुत रहता है इसमें, पक्षी जो पानी में रहने वाला जो है, देख सकते हैं कितना बड़ा है। इधर का नहीं बोल रहा, इधर का भी, इधर मेन रोड पर आ गए निकल के। चलिए दोस्तों फिर बैठते हैं। चलिए दोस्तों हम आ गए हैं, अब थोड़ा बैठते हैं थोड़ी देर, फिर बारिश जैसी पड़ने लगेगी तो हम चले जाएंगे अपने रूम पे। देख सकते हैं मैं फैन भी आ गया हूँ, और मैं थोड़ा बैठता हूँ इधर।